سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم يا معلم آدم علمني ويا مفهم سليمان فهمني أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من أحب أن يبسط له في رزقه وعمره فليصل رحمه صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم گل حق سچ دی کرنی ہے جھوٹا لفظ زبان چوں کڈنا نہیں گل حق سچ دی کرنی ہے تے جھوٹا لفظ زبان چوں کڈنا نہیں دلو لانی ہے یاری حضور نال دلو لانی ہے یاری حضور نال لا کے بوٹا پھر پیار دا وڈنا نہیں تے جو منگنا ہے رب کولو منگنا ہے جو منگنا ہے رب کولو منگنا ہے پلا غیر دے اگے کدی اڈنا نہیں دنیا رس دیے فاروق تے رس جاوے دنیا رس دیے فاروق تے رس جاوے بوہا رب کریم دا چھڈنا نہیں ہر قسم دی حمد و ثنا
अजमतों की बरियाई दे हर किस्म दे कलिमात। अल्लाह जल्ला जलालहू दी बाबरकत जात वास्ते खास ने, जो अल्लाह सारी कायनात दा खालिक मालिक राजिक दाता गंज बख्श, बिगड़िया बनाने वाला डुबिया तारने वाला, सब दा मुश्किल कुशा, हाजत रवा लजपाल गौसे आजम, दस्तगीर गरीब नवाज अमीर नवाज, आला कुल्ली शहीन कदीर फ़ाआलुल्ली माजुरीद, सत्ता जमीना और सत्ता आसमाना दा निजाम चलाने वाला और तमाम मखलूकात उना दी तबा दे मुताबक उना दी रहाइश ते उना दे खाने दा बंदोबस्त करने वाला, जिंदगी और मौत, इज्जत और जिल्लत, सेहत और बीमारी, इन सारिया चीजा का इख्तियार अल्लाह कोले, और जिन्हू जदो चावे जेड़ी नेमत अपनी कुदरत नाल अता कर देवे, और जदो चावे जिदे कोलो अपनी कुदरत दे नाल नेमत वापस ले लवे। लातादाद बेहदो हिसाब दरूदो सलाम दिया बारशा होन सैयदुल अव्वलीन वल आखिरीन इमामुल अंबिया वल मुरसलीन, सारी कायनात दे सरदार मेरे और तुहाडे दिलां दी बहार, आमीना दे लाल अब्दुल्ला दे दुल्ले यतीम हबीबे खुदा महबूबे किबरिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दी जाते ग्रामी ते अहबाब जी वकार आज दे खुतबा जुमातुल मुबारक दे अंदर एक बड़े अहम जरूरी और इंतहाई तवज्जो दे हामिल गुफ्तगु ते मैं गुफ्तगु करना चाहना। माशरे अंदर इस मौजू दी बहुत ज्यादा जरूरत है, ए मौजू सिला रहमी दे फायदे और कता तालकी दे नुकसानात। सिला रहमी दा मतलब या आपस अंदर प्यार और मोहब्बत दी जिंदगी गुजारना, रिश्तियां नु जोड़ना, जोड़ के रखना, और जेड़ा कोई तुहाडे तो टुटन दी कोशिश करे, दूर होन दी कोशिश करे, ओदियां तकलीफां अजमाइशां नू सबर दे नाल बर्दाश्त करके फिर भी ओनू अपने नाल जोड़ के रखना, एदा नाम है सिला रहमी। और कता ताल्लुकी रिश्ते तोड़ना, रिश्तेदारां तो टुट के रहना, किसे नू दौलत दा भूत सवार हो जांदा है ते अपने रिश्तेदारां नू कुछ नहीं समझदा, किसे नू अपनी इज्जत दा शोहरत दा मान हुंदा है ते अपने गरीब भैणां भरावां नू कुछ नहीं समझदा, किसे नू अपनी सेहत कद काठ जसामत दा हुसन दा इन्ना कु मान हुंदा है कि अपने अकरबा नू कुछ नहीं समझदा, और अरसा बीत जांदा है भैणां भरावां दी जियारत नू मुलाकात नू आने जाने नू, हत्ता के कई दौलतमंद ऐसे भी बदबख्त और बदनसीब वेखे ने कि जेड़े अपने कमजोर अकरबा कमजोर रिश्तेदारां दी
माड़े भैन भरावां दी दावत ते भी जाना गवारा नहीं करदे। यह कथा तल की टुट के रहना, अलग हो के रहना, रिश्तेदारियां खत्म करना और एदा बहुत बुरा अंजाम है। दुआ करो अल्लाह ताला सानू सिला रहमी कर दिया होया रिश्ते जोड़न दी तौफीक अता फरमाए और कता ताल की तो अल्लाह सानू महफूज फरमा के इस गबीरा गुनाह तो अल्लाह सानू महफूज फरमाए। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु शेर खुदा हैदर करार ओना नू किसे बंदे ने सवाल किया के दोस्त और भाई दे अंदर फर्क की होंदा है। आज दे पूरे खुतबे जुमा दा खुलासा दोस्त और भाई दे अंदर फर्क की होंदा है। फरमाया के दोस्त दी मिसाल हीरे दी मानिंदे और भाई दी मिसाल सोने दी मानिंदे। तवज्जो करया जी, पूछन वाले ने पूछा हजरत जी इस मिसाल दी जरा वजाहत करो। हजरत अली रजी अल्लाह तआला नु फरमान लगे के जड़ा हीरा हुंदा है ना एक दफा टूट जाए ते ए दोबारा नहीं जुड़दा और जड़ा सोना हुंदा है ना ए टूट भी जाए ते फिर भी दोबारा जुड़ जांदा है। फरमाया के दोस्त हीरा है ते जड़ा दोस्ती दा रिश्ता होंदा है ना ए एतमाद दा रिश्ता होंदा है। दोस्ती दा रिश्ता भरोसे दा एतबार दा रिश्ता होंदा है। एक बारी दोस्त नू दोस्त ते एतबार भरोसा टुट जाए खत्म हो जाए दोबारा ओ भरोसा ते दोस्ती कायम नहीं हो सकदी। फरमाया भाई दा रिश्ता ए खूनी रिश्ता होंदा है जिवें सोना एक बारी टुट जाए तो दोबारा जुड़ जांदा है। फरमाया जिस तरह सोना दोबारा जुड़ जांदा है इस तरह भाई भाई तो नाराज हो जाए तो सुलह होके दोबारा फिर जुड़ जांदे ने। दोस्त लड़ाई तो बाद दोस्त नहीं रहिंदा, भाई लड़ाई तो बाद दोबारा भाई बन जांदा है। और कुरान विच भी अल्लाह ने मिसाल बयान कीती है फअस्लिहु बैना खवैकुम अपने भैन अपने भाइयों के दरमियान जो ये लड़ पैन ना इन्हों की सुलह करा दिया करो। भाइयों के दरमियान की मतलब लड़न तो पहला भी भाई ने ते लड़न तो बाद भी भाई ने। कुरान कह रहा फअस्लिहु बैना खवैकुम लड़ाई तो बाद इन्हों की आपस अंदर सुलह करा दियो। दुआ करो अल्लाह सानू सिला रहमी करन दी तौफीक अता फरमाए। कता ताल की तो अल्लाह सानू महफूज फरमाए। और एक गल करा गुस्सा ना करया जे नाराज ना होया जे अल्लाह दी कसमे जे तेरे कोल सिला रहमी दी दौलत है ते फिर तेरी सारी जिंदगी दे अमाल अल्लाह दे हां कबूल ने। अगर सिला रहमी तो महरूम है और कता ताल की करना है रिश्तेदारा नल दोस्ता नल अपने अकरबा नल ते फिर सारी जिंदगी दिया तेरिया इबादता जाया हो गया बर्बाद हो गया इन्हों दा कोटी मुल नहीं पैना लागे। अल्लाह को दुआ करो अल्लाह सानू इस कबीरा गुनाह तो बचन दी तौफीक अता फरमाए। आइए कुरान और हदीस की रोशनी अंदर सिला रहमी दे फायदे और कता ताल्लुकी दे नुकसानात मेरे और तुसां दे पीरो मुर्शिद इमामुल अंबिया जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नबी पाक दे सीना पाक ते अल्लाह दा कुरान आया फरमाया या अय्युहन नास उत्तकु रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिं वाहिदा। अल्लाह फरमांदे ने ए इब्ने आदम ए लोगो अल्लाह को डर जाओ खलक़कुम मिन नफ्सिं वाहिदा अल्लाह ओ जात है जिन्ने तुहानू एक जान विचों पैदा कीता है वा खलक़ा मिनहा ज़ौजहा
और उस जान विचों अल्लाह ने ओदी बीवी नू पैदा कीता। सब तो पहले अल्लाह ने हजरत आदम अलैहि सलातु वस्सलाम नू पैदा फरमाया है, फिर बाबा जी आदम दे विचों अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ओना दी बीवी सैयदा हव्वा अलैहि सलाम नू पैदा फरमाया। वबस्सा मिनहुमा रिजालन कसीरन वनिसा, अल्लाह फरमांदे ने फिर इस जोड़े दे विचों असी बहुत सारे लोगां नू पैदा फरमाया, किते मर्दां नू पैदा फरमाया, किते खवातीन नू पैदा फरमाया है। फरमाया वत्तकुल्लाह अल्लज़ी तसाअलूना बिही वल अरहाम, अल्लाह फरमांदे ने अल्लाह कोलो डर जाओ, रब कोलो डर जाओ, ओ रब जिदे नाम ते तुसी एक दूसरे कोलो सवाल कर दे जे, वल अरहाम और अल्लाह कोलो डर जाओ, रहम दे रिश्तियां दे मामले अंदर, रहम दे रिश्तियां दे मामले अंदर अल्लाह कोलो डर जाओ, रहम दे रिश्ते खूनी रिश्ते होया करदे ने। फरमाया खून दे रिश्तियां दे मामले विच अल्लाह कोलो डर जाओ, खून दे रिश्तियां दे मामले विच कदे भी अपनी सोच दे मुताबक जिंदगी ना गुजारो, बल्कि खून दे रिश्तियां दे मुताबक अल्लाह दे हुक्मां दे मुताबक जिंदगी गुजारो। खूनी रिश्ते जोड़ के रखो, खूनी रिश्तियां नाल जुड़ के रवो, खूनी रिश्तियां नूं टुटण ना देवो। इन्नल्लाह काना अलैकुम रकीबा, अल्लाह फरमांदे ने जो कुछ तुसी कर रहे हो सारा कुछ मैं वेख रहा, तुहाडे सारे अमलां ते मेरी पूरी पूरी नजर है। हजरात मोहतरम पता लगा सिला रहमी करना अल्लाह दा हुक्म है, अल्लाह ताला मेनू ते तुहानू हुक्म दे रहे ने सिला रहमी करो, मिल जुल के रवो, प्यार मोहब्बत दी जिंदगी गुजारो। अल्लाहु अकबर। हजरात मोहतरम एक होर कुरान पाक दा मुकाम, अल्लाह फरमांदे ने इन्नल्लाह यामुरु बिल अदल वल एहसान व ईज़िल कुर्बा व ईज़िल कुर्बा, अल्लाह फरमांदे ने कायनात दे लोगो बेशक अल्लाह ताला तुहानू हुक्म दे रहे ने अदल वाली जिंदगी गुजारो, एहसान वाली जिंदगी गुजारो, माशरे विच रहंदिया होया इंसाफ करिया करो, कदे भी डंडी ना मारिया करो, कदे भी जुलम ना करिया करो, जिदा हक होवे ओदा हक उहनू दिलवाया करो, किसे दी साइड गलत नहीं कुटनी, किसे दे जनाब गलत साइड नहीं लैनी, किसे दी जनाब रिश्वत लैके किसे दी सिफारिश दी वजह तो किसे दा हक नहीं मारना, बल्कि फरमाया अदल करिया करो, इंसाफ करिया करो, वल एहसान ते लोगां नाल नेकियां करिया करो, लोगां नाल हुस्न सलूक करिया करो। व ईताई दिल कुर्बा, और फरमाया करीबियां नाल मिल जुल के रिया करो, करीबियां नूं अपने करीब करिया करो, करीबी अपने तो दूर ना होन दिया करो, ना आप दूर होवो ना उन्होंने दूर होन दिया करो। अल्लाह फरमांदे ने करीबियां दे नाल रह के जिंदगी गुजारो। हबीबा बादिया नमाज पढ़ना अल्लाह दा हुक्म है, रोजा रखना अल्लाह दा हुक्म है, नमाज रब दे हुक्म नाल पढ़ी जाने आ, रोजे रब दे हुक्म नाल कीती जाने आ, इबादत अल्लाह दी रब दे हुक्म नाल कीती जाने आ, ते सिला रहमी करना भी अल्लाह दा हुक्म है। अल्लाह मेनू तेनू हुक्म दे रहे ने, फरमाया व ईताई ज़िल कुरबा, अपने करीबियां दे करीब होके
रहा करो, अपने करीबियां नाल मिल के रहा करो, अपने करीबियां दी खुशी च शरीक होया करो, अपने करीबियां दी गमी च शरीक होया करो। टुटिया ना करो, लड़िया ना करो, नफरत ना फैलाया करो, हसद ना करिया करो एक दूसरे दे बारे। अल्लाह अकबर, गलत सोच ते गलत रवैये ना रखिया करो, बद गुमानिया तो बच जाओ ते करीब होके जिंदगी गुजारिया करो। हजरत मोहतरम सिला रहमी करना कितना बड़ा अमल है, तवज्जो करिया जे। मेरे और तुसा दे पीरो मुर्शिद जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, इधर वेखिया जे यार, जदो अल्लाह ने मेरे नबी पाक नु नबुव्वत अता फरमाई, आका नु जदो गारे हिरा विच जदो नबी पाक नु सब तो पहली दफा हजरत जबरील ने आके मुलाकात की, मुलाकात की जनाब जबरील, अल्लाह दे नबी नु कह रहे ने इकरा पढ़िए। नबी पाक परेशान हो गए, खैर पहली वही मुकम्मल हुई, अल्लाह दे नबी गारे हिरा तो वापस अपने घर पहुंचे। नबी पाक बड़े परेशान ने, नबी पाक बड़े ही परेशान ने, इन्ने कु नबी पाक परेशान ने कि नबी पाक दे पूरे जिस्म ते पसीना दहर हो रहा है, गम दे असार दहर हो रहा है, दुख दे असार दहर हो रहा है। मां जी खदीजा ने नबी पाक दी परेशानियां वेखियां, फरमाया मेरे महबूब पैगंबर जी की गल किस वजह तो परेशान हो। आका फरमांदे ने खदीजा मेरे नबी इंज चार पाई ते लेट गए। आका फरमांदे ने खदीजा जमेलूनी दसे रूनी, जमेलूनी दसे रूनी, खदीजा मेरे ते चादर ओढ़ दे, खदीजा मेरे ते चादर पा दे, मैं बड़ा परेशान हां, बड़ा गमजदा हाँ। मां जी खदीजा ने नबी पाक ते चादर ओढ़ दी, अल्लाह दे प्यारे नबी चादर लेके लेट गए। थोड़ी देर बाद नबी पाक नु फाका होया, मेरे आका उठ के बैठ गए ते मां जी खदीजा पुछ दिया ने, ओ सोने महबूबा किस गल दिया परेशानियां। आका फरमांदे ने खदीजा आज मेरे कोल अल्लाह दी तरफों भेजिया होया फरिश्तियां दा सरदार जिबरील आया, उन्हें आके मेनू रब दा पैगाम सुनाया, आज तो बाद मेनू नबूवत मिल गई है, मैं अल्लाह दा नबी बन गया वा। खदीजा मेरी जबरील नाल मुलाकात हुई है, पर मैं बहुत परेशान होया जदो मेरे ते वही नजर हो रही सी, मैनू इंज लगदा सी जिवें मेरी जान खत्म होन लगी है, जिवें मैं चंद सकिंटां दा दुनिया ते परोना वा, इन्नी मैनू कुटन महसूस हो रही सी। अल्लाह अकबर, ते अगो मां जी खदीजा मेरे पैगंबर नू की फरमांदियां ने, ओ सोनिया परेशान ना होवो, ओ सोनिया गम ना कर, ओ सोनिया तुहानू परेशान होण दी लोड़ी कोई नहीं, तुहानू ते दुख उठाण दी लोड़ी कोई नहीं, क्यों किस वजह तो मां खदीजा फरमांदियां ने, ओ सोनिया महबूबा महबूबा परेशान क्यों होंदे हो, अल्लाह ताला तुहाडे वर्गे बंदे नू कदी रब जाया नहीं कर सकदा, रब तुहाडे वर्गे बंदे नू कदे भी मुश्किलां च नहीं पा सकदा। खदीजा किस वजह तो मेरे विच तू की वेख्या है, मां खदीजा फरमांदियां ने, ओ सोनिया सब तो पहली तुहाडी खूबी ये आ के तुसी सिला रहमी करन आले हो, तुसी रिश्तियां नू जोड़न आले हो, तुसी रिश्तियां नू मिलान आले हो, तुसी रिश्तेदारां नू जोड़ के रखन वाले हो, तुसी रिश्तेदारां नू टुटन नहीं देंदे, तुसी रिश्तेदारां नू आपस च जुदा जुदा नहीं होण देंदे। ओ सोनिया जिहड़ा दुनिया ते जोड़ के रखदा ए रब नू कदे भी जाया नहीं करदा, ओ सोनिया जिहड़ा दुनिया ते प्यार मुहब्बत तकसीम करदा ए अल्लाह नू कदे भी
भी गम नहीं आन देंदे, अल्लाह उन्हूं कदे भी परेशानियां नहीं आन देंदे। अल्लाह उस बंदे नाल बड़ा प्यार करदे ने, बड़ी मोहब्बत करदे ने। जिहड़ा बंदा दुनिया ते रह के रिश्तेदारां नूं जोड़ के रखदा, मिला के रखदा है, ओ सोहणिया तेरी वजह तो ते सारे खानदान ते अल्लाह दीआं रहमतां ते बरकतां दा नुज़ूल पिया हुंदा है। अल्लाहु अकबर, अल्लाह इन्नका लतासिलुर रहीमा। ओ सोहणिया तुसी ते सिला रहमी करन आले हो, ओ सोहणिया तुसी ते लोकां दा बोझ उठान आले हो, ओ सोहणिया तुसी ते माड़ियां नाल तावन करन आले हो, ओ सोहणिया तुसी ते लोकां दी परेशानी दुख तकलीफ विच उहनां दे नाल प्यार मुहब्बत करन आले हो। अल्लाहु अकबर, अल्लाह आ सुन ना मेरे पीर दी सिफत, सिला रहमी करना मेरे पैगंबर दा हुक्म भी है ते मेरे नबी दी सुन्नत भी है। अल्लाहु अकबर, अल्लाह फिर मैं क्यों ना कहिंदा जावां, रहमतां दी चल दी नहरे कमली वाला जिथे रखदा पैरे। ओए रहमतां दी चल दी नहरे कमली वाला जिथे रखदा पैरे। रहमतां दी चल दी नहरे ओए कमली वाला जिथे रखदा पैरे। मेरे आका जिथों लंघ जावन, मेरे आका जिथों लंघ जावन, खुशबुआं दे पहुले आवन, खुशबुआं दे पहुले आवन। ओए गीत गांदा सारा शहर, ओए गीत गांदा सारा शहर, कमली वाला जिथे रखदा पैरे। रहमतां दी चल दी नहरे कमली वाला जिथे रखदा पैरे। खैर खाओ हर बशर दे, खैर खाओ हर बशर दे, सोहने रब नू कर कर के सजदे। खैर खाओ हर बशर दे, सोहने रब नू कर कर के सजदे। मंगदे रहंदे मंगदे रहंदे सब दी खैरे, मंगदे रहंदे सब दी खैरे, कमली वाला जिथे रखदा पैरे। रहमतां दी चल दी नहरे ओए कमली वाला जिथे रखदा पैरे। इन्नका लतसिलुर रहीमा व तहमिलुल कल्ला व तक्रिज़ ज़ईफा व तुईनु अला नवाइबिल हक। ओ सोनिया तुसी सिला रहमी करन आले हो। हजरात मोहतरम गौर करना, हुन मेरे पैगंबर ने खुद भी सिला रहमी कीती है, उम्मत नु भी सिला रहमी दा दरस दिता है, उम्मत नु भी प्यार मुहब्बत दा दरस दिता है, उम्मत नु भी मिलजुल के रहण दा दरस दिता है। और किन्नी अजमत ते फजीलत बयान फरमाई मेरे नबी ने सिला रहमी दे। आका फरमाते ने मन अहब्बा अय्यूब सतलहू फी रिज़्की व उमरिही फलयसिल रहीमा। नबी पाक ने फरमाया जड़ा बंदा चांदा है मैनू दो किस्म दी अल्लाह दी तरफो रहमतां ते बरकतां मिल जान, दो किस्म दे रब वल्लों मेरे ते इनाम हो जान, दो किस्म दियां रब दी तरफों ऐ मैनू नेमतां मिल जान। मन अहब्बा अय्यूब सतलहू फी रिज़्की व उमरिही। आका फरमांदे ने जड़ा बंदा चांदा है मेरी जिंदगी वध जाए, मेरा माल वध जाए। हर बंदे दी ख्वाहिश, हर बंदे दी सोच, मेरी जिंदगी वध जाए, मैनू कोई बीमारी ना लगे, मैं जल्दी बूढ़ा ना होवां, मैं जना
जनाब जल्दी जनाब इस दुनिया तो ना जावा, मेरी जिंदगी लंबी हो जाए। आका फरमाते ने नाले दूसरी ख्वाहिश, मेरा माल बढ़ जाए, मेरा माल बढ़ जाए, मैनू किसे दे सामने हाथ ना फैलाना पवे, मैनू लोकां दी मुताजगी ना होवे, हत्ता के मैनू धीआं पुत्रां दी भी मुताजगी ना होवे। आका फरमाते ने जिहड़ा बंदा ए दो ख्वाहिशां रखदा है, माल बढ़ जाए, जिंदगी बढ़ जाए, फरमाया उस बंदे नू चाहिदा है फल यसिल रहीमा। ओ बंदा मुआशरे विच रहिंदा होया लोकां नाल सिला रहमी करे, सिला रामी करे, रिश्तियां नू जोड़े, रिश्तियां नू मिलाए, प्यार मोहब्बत दी जिंदगी गुजारे। आका फरमांदे ने अल्लाह उस बंदे नाल इन्ना प्यार करदे ने जिहड़ा सिला रामी करदा है, मिलजुल के रहिंदा है, अल्लाह उहदे माल विच भी बरकत कर देंदे ने, अल्लाह उहदी जिंदगी विच भी बरकत कर देंदे ने। हबीबा बादिया गौर कर, जरा गौर, अज मेरा ते तेरा रिश्ता कैसा रिश्ता रह गया है। आए अगर तू गौर करे ते मैं तेन मुस्लिम मुआशरे की गल सुनावा। आ मुस्लिम मुआशरा जिथे नबी दा कलमा पढ़न वाले रह रहे ने, और सोनिया अज तू ते मैं रिश्तेदारियां कैसियां निभा रहे हैं, अज तेरा ते मेरा रिश्तेदारियां दा माहौल कैसा बन चुका है। हजरात मोहतरम असी रिश्ता ओहदे नाल कायम रखने आ जिहदे कोल दौलत है, असी रिश्ता ओहदे नाल कायम रखने आ जनाब जिहदे कोल इज्जत है, असी रिश्ता ओहदे नाल कायम रखने आ जड़ा जनाब किसे गल बात आला है, असी रिश्ता ओहदे नाल कायम रखने आ जड़ा डेरे वाला है, असी रिश्ता ओहदे नाल कायम रखने आ चार आने जिहदे कोल दौलत है, असी उस बंदे नूं रिश्ता देने भी आ, उस बंदे कोल रिश्ता लैने भी आ, उस बंदे नाल साडियां लंबियां वांगां ने जनाब, ओहदे नाल ते दूर दूर तक साडे रिश्ते ने। पर जड़ा साडा भरा माड़ा है, साडी बहन जड़ी माड़ी है, अगर साडा चाचा माड़ा, अगर साडा ताया माड़ा है, अगर साडी खाला कमजोर है, ये सारे खून दे रिश्ते। हजरात मोहतरम मैं मुआशरे विच वेख्या है, अल्लाह दी कसम मैं इस मुआशरे विच वेख्या है, असीं उहनां नूं ना रिश्ता देने आ ना रिश्ता लैने आ जिहड़े कमजोर ने, जिहड़े गरीब ने, असीं ते दौलतां दे पुजारी बन गए, सानूं दुनिया दी हिरस ने मार दित्ता है। और सोहणिया लख बगानियां दी धी घर विच लियाने आ, दौलत वेख के, पैसा वेख के, इज्जत शोहरत वेख के, भैन बेचारी माड़ी है, कमजोर है, चार पांच बेटियां ने ते उहदे कोल रिश्ता ही कोई नहीं लैंदा, भरा माड़ा है, कमजोर है। ओह सोहणिया कैसा वतीरा बन गया मुसलमाना तेरा, अज रिश्ते सफेद, अज खून दे रिश्ते सफेद हो गए। हजरात मोहतरम सानू रिश्तियां दी कदर ही कोई नहीं रह गई, सानू रिश्तियां दा प्यार मुहब्बत ਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮੇ ਅੱਗੇ ਖੂਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮੁਹੱਬਤ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਸ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਖੂਨ ਹੁੰਦੇ ਪੈ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੋਹਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਏ, ਸਿਲਾ ਰਾਮੀ ਕਰੋ, ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੋ, ਦੌਲਤਾਂ ਨਾ ਵੇਖੋ, ਅਹੁਦੇ ਨਾ ਵੇਖੋ, ਪੈਸਾ ਨਾ ਵੇਖੋ, ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨਾ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਵੇਖੋ ਯਾਰ ਕੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਜੰਮਿਆ ਪਰਾਏ, ਇਹ ਵੇਖੋ ਕੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਮੇਰੀ ਜੰਮੀ ਭੈਣ ਏ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰੋ, ਦੌਲਤਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਓ ਸੋਹਣਿਆ ਗੁਰਬਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਟੁੱਟ ਨਹੀਂ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ, ਭੈਣ ਭੈਣ ਹੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਏ, ਭਰਾ ਭਰਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਏ। ਕੀ ਗੱਲ ਏ ਜੇ ਮਾੜੇ ਦਿਨ ਨਾ ਗਏ, ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮਾੜੇ ਦਿਨ ਨੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਤੇ ਆ ਸਕਦੇ ਨਾ ਯਾਰ, ਇਹ ਤੇ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਤਕਸੀਮਾਂ। ਅੱਲਾ ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਵੇ ਦੌਲਤਾਂ ਤਾਂ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਅੱਲਾ ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਵੇ ਗੁਰਬਤਾਂ ਤਾਂ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਇਹ ਤੇ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ ਨਾ ਯਾਰ। ਕਿਉਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੁਰਬਤ ਵੇਖ ਕੇ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਨਾ, ਕਿਉਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖ ਕੇ, ਮਾੜੇ ਦਿਨ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿਉਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਛੱਡ ਜਾਣਾ ਹੈ ਸੋਹਣਿਆ? ਆ ਨਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਇਹ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੇ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਅੱਲਾਹ ਮੌਲਾਨਾ ਸੈਯਦੁਲ ਫਤ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਕਰ ਗਏ, ਰੱਬ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇੰਜ ਜਨਾਬ ਦੋ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾ ਗਏ। ਇੰਨਾ ਸਾਰੀ
सारी दुनिया को जीए, है ना सारी दुनिया सोनी है, है ना सारे चेहरे हंस देने, है ना हर एक सूरत रोनी है, है पांड दुखा दिसर ते जा जिस टोनी है उस टोनी है, पे बंदा पावे कुछ करे जो होनी है सो होनी है, ऐ किते गमा तो छुट्टी मिलदी नहीं, कई खुशियां दे विच अटे ने, वा मौला तू अपनिया कुदरता दे क्या सोने नक्शे कटे ने, है इको वल अंगूरां दी ऐ कुछ मिठे ने कुछ खट्टे ने, ऐ हाथ लाया मैले होवन कई, ऐ हाथ लाया मैले होवन कई, कोई होंदे तवे तो काले ने, ऐ कई मारे होए नसीबां दे, ऐ कोई बोते ही कर्मा पाले ने, ऐ किते लस्सी पीनन लभदी नहीं, ऐ किते लस्सी पीनन लभदी नहीं, ओ कईयां कुत्ते भी दुद्धी पाले ने, ओ किते सोना ही सोना सोना है, ऐ किते कन्ना विच ना वाले ने, ओ किते टांगे जोगा कराया नहीं, ऐ कई चाड़ जहाजी उड़े ने, ओ किते अगले डंग ले जोड़दी नहीं, ओ कई देंदे फिर दे छट्टे ने, वा मौला तू अपनिया कुदरता दे क्या सोने नक्शे कटे ने, ओ किते चेहरे चू चू कर दे ने, ओ किते रंग ही रेंदे उड़े ने, ऐ कई पीरी विच जवान दिसन, ऐ कई विच जवानी बुढ़े ने, किते हुकम चलांदे फिर दे ने, कई खांदे फिर दे फुड़े ने, वा मौला तू अपनिया कुदरतां दे क्या सोने नक्शे कटे ने, है इको वल अंगूरां दी कुछ मिठे ने कुछ खट्टे ने, ए ते मेरे रब दा निजाम है ना, दौलता वेख के रिश्ते ना छड़िया कर, ओ यार दौलता ते दना फखर ते मान ना करिया कर, आज किसे कोल है कल तेरे कोल, कल किसे कोल है फिर जनाब किसे कोल, ए दुनिया दिया दौलता दी वजह तो रिश्तेदारियां खत्म ना करो यार, वेखिया जे सिला रहमी दे कितने फायदे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आका फरमांदे ने मेरी उम्मत दे लोगो चार काम तुसी कर लो मैं अल्लाह दा नबी तुहानू गारंटी देना, चार कम्मां दी वजह तो रब तुहानू अपनी जन्नत दा हकदार बना देगा, चार अमल बिल्कुल मामूली जाए बिल्कुल आसान जाए, हबीबा बादिया मैं समझना वा अगर तू अमल कर लवे ते अल्लाह दी कसम मुल पै जाएगा, आ वेख नबी पाक दा फरमानी, आका फरमांदे ने या अय्युहन नास अफशु सलाम व अतइमु ताम वसिलुल रहम व सल्लु बिल लैल व नास नियाम, नबी पाक ने फरमाया चार काम करो, सब तो पहला काम अफशु सलाम आपस विच सलाम आम करो, सलाम आम करो जिदे कोलो भी गुजरो ओनु अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाही व बरकातुहु कहो, सलाम आम करो, एदे नाल तुहाडी आपस विच मुहब्बत बढ़ेगी प्यार बढ़ेगा, एक दूसरे दे करीब हो जाओगे, वासिलुल रहम, ते नबी पाक ने फरमाया दूसरा अमल सिला रहमी करया करो, मिल जुल के रिया करो, प्यार वंडिया करो, मुहब्बत वंडिया करो, एक दूसरे दे दुख दर्द च शरीक होया करो, व अतइमु ताम फरमाया एक दूसरे नु खाने खिलाया करो, एक दूसरे दी दावतां करया
करो। ए नहीं जनाब, अमीर दी दावत कर ली ते माड़े नु पुछदा ही कोई नहीं। नहीं 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 हजराते मोहतरम, या अमीर दी दावत ते चले गए ते माड़िया नु जवाब दे दिता। नहीं नहीं फरमाया, एक दूसरे दी दावत करिया भी करो ते कबूल भी करिया करो। वसल्लू बिललैली वन्नासु नियाम, रात नु जदो दुनिया सुती होवे तुसी उठ के रब दे सामने खड़े हो जाया करो, नफल पढ़िया करो, अल्लाह दे हुजूर सब सजदा हो जाया करो। आका फरमांदे ने ए चार अमल तुसी करो, मैं अल्लाह दा नबी तुहानू गारंटी देना, मैं अल्लाह दा नबी तुहानू दुनिया दे माहौल दे मुताबिक अस्टाम देना वा, तदखुलुल जन्नत बिसलाम। आका फरमांदे ने ए चार काम तुसी कर लो, अल्लाह तुहानू अपनी जन्नत दा हकदार बना छड़ेगा। चार काम कितने आसान। फरमाया सलाम आम करो, एक दूसरे दी दावत करिया भी करो ते कबूल भी करिया करो, ते सिला रहमी करो, रिश्ते जोड़ो, प्यार मोहब्बत दी जिंदगी गुजारो, ते रात नूं उठ के नफल पढ़ो। इन्हां चौं अमलां दी बरकत नाल अल्लाह तुहानूं अपनी जन्नत दा हकदार बनाएगा। पता लग्या सिला रहमी करांगे अल्लाह दी जन्नत दे हकदार बन जावांगे। इधर वेखिया जे यार, जिन्हां सिला रहमियां कीतियां, जिन्ना प्यार वंडिया, जिन्ना मोहब्बतां वंडियां, जिहड़े जनाब एक दूसरे दे करीब हो के रहे। हजरत हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत इमाम हुसैन दे भाई ने, हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु दे साहबजादे, जनाब हजरत हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु, इन्हां दे इक होर भाई है, उन्हां दा नाम है जनाबे मुहम्मद बिन हनफिया, ए भी हजरत अली दा बेटा है। हजरत हसन भी अली दे बेटे, इन्हां दोवां दा बाप एक, मावां दो अलग अलग ने। अल्लाहु अकबर, ये दोनों भाई ने बाप वल्लों आपस विच थोड़ी जी कचपकलश हो गई, माड़ी जी मामूली जी गल तो थोड़ी जी अनबन हो गई। इंसान दुए इंसान होंदे नाते बंदे को कमी कुताई हो जाती है। हजरत हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु अपने भरा मुहम्मद बिन हनफिया दे नाल लड़ पै, झगड़ा हो गया। हजरत हसन रजी अल्लाह दालन हो नाराज हो गए। मुहम्मद बिन हनफिया नु पता लग गया मेरा परा ते मेरे ते नाराज हो गया है, मेरा परा ते मेरे तो जनाब एंड करके खफा हो गया है। हजरत मुहम्मद बिन हनफिया नु सोच आई, और सोने नबी दे घराने नु मन ना लिया, अहले बैत नाल प्यार करना लिया, अहले बैत दी मोहब्बत भी अपना, उन्हां दा प्यार भी अपना, उन्हां दी सीरत भी अपना, उन्हां दी सोच भी अपना। आज दो भरा लड़ पैन ना एक दूसरे तो जुदा हो जान, एक बैठा जिद करके दूजा भी बैठा जिद करके, ओ आंदा ओ आवेगा ते मैं सुला करांगा, ओ आंदा ओ आवेगा ते मैं सुला करांगा, ओ चल के आवे ते मेरे कोलो माफी मंगे, ओ आंदा नहीं नहीं ओ चल के आवे ते माफी मंगे। हजरत मोहतरम मेरी ते तुहाडी ते ए तबीयत है ना। इधर वेखिया जे हजरत हसन नाराज हो गए, मुहम्मद बिन हनफिया ने पुराने पाक खोलिया, पुराने पाक खोल के कुरान दे विचों आयतां लभियां, जिन आयतां दे विच अल्लाह ने हुक्म दिता है आपस विच सुलह न रवो, आपस विच प्यार न रवो, आपस विच मुहब्बत न रवो, सुलह वाली आयतां कढ़ियां। आयतां कढ़ के मुहम्मद बिन हनफिया ने एक कागज ते लिखियां, इस कागज ते लिख के एक बंदा भेजिया, जाओ मेरे भरा हसन नूं ऐ रुका दे करके आओ कि तुहाडे भाई मुहम्मद बिन हनफिया ने रुका भेजा है। हजरत मोहतरम कासद रुका लेके गया, हजरत हसन रुका पढ़ रहने, वेखिया ऊपर मुहम्मद बिन हनफिया मेरे भरा ने खत भेजा है, थल्ले कुरान दिया ता लिखिया ने। अल्लाहु अकबर, नाले रुका पढ़ी जांदे ने ते नाले रोई जांदे ने, नाले रुका पढ़ी जांदे ने, अखां विचों आंसू जारी हो गए, फौरन अपनी जगह तो खड़े हो गए, उठ करके सीधा अपने भरा दे दरवाजे ते चले गए, जाके दरवाजे ते दस्तक दिती, दरवाजा खुलिया, मुहम्मद बिन हनफिया बाहर निकले। हजरत हसन फरमांदे ने, ओ मेरे वीर तुसी मेनू रुका भेजिया है, तुहाडा रुका एक कासद लैके आया है, अज मैं हसन आप चल के तुहाडे दरवाजे ते आ गया वा, और मेरे वीर मेनू माफ कर दे, और मेरे भरा मेनू माफ कर दे, मेरे कोलो गलती हो गई, मैं तेरे नाल नाराज हो गया सा, मैं तेरे तो खफा हो
हो गया सा मैनू माफ कर दे। ए माफी कौन मंगदा पिया ई जनती जवाना दा सरदार पिया माफी मंगदा है। ए माफी कौन पिया मंगदा ई नबी दा शहजादा पिया माफी मंगदा है। ए माफी कौन पिया मंगदा ई अली हैदर करार दा लखते जिगर पिया माफी मंगदा है। ओ सोनिया जदों हसन ने अपनी शान अंदर कमी होंदी नहीं वेखी ते तू ते मैं क्यों सोचने आ मैं बूए ते जावांगा ते मेरी शान कट जाएगी। मैं माफी मंगांगा मेरी इज्जत ते फर्क आंदा है। मेरे सोहरियां विच मेरी इज्जत नहीं रहनी मेरे भैणां भरावां च मेरी इज्जत नहीं रहनी। मैं क्यों बूए ते जावां मैं दौलतां वाला मैं ओहदे वाला मैं पैसे वाला मैं जनाब डेरे वाला मैं क्यों जाके माफी मंगा। और नहीं ओ नहीं सोनिया नहीं रिश्तेदारी दा तल्लकी खूनी रिश्ता इस अल्लाह ते माफ भी कर दिया कर राजी हो जाया कर जाके सुलह कर लिया कर। इधर वेखी जरा हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला नु फरमांदे ने एक दिन दरसे हदीस दे रहे ने ते दरसे हदीस देंदियां देंदियां हजरत अबू हुरैरा फरमांदे ने आ मजलिस लगी हुई है ना। हजरत अबू हुरैरा फरमांदे ने मेरी इस मजलिस विच कोई बंदा ऐसा ना होवे जेड़ा कता तल्लकी करने वाला है किसे भैन भरा नाल लड़िया होया ते मेरी मजलिस विच उठ के चला जाए। ऐसे बंदे नु मेरी मजलिस विच बैठन दी इजाजत कोई नहीं जल्दी ना उठ के चला जाए। एक जवान खड़ा होया जल्दी ना उठ के बाहर निकल गया है बाहर जा करके एंड सीधा अपनी पुफी दे घर चला गया है। पुफी दे दरवाजे ते दस्तक दीती जाके दरवाजा खुलिया अगो पुफी ने दरवाजा खोलिया है। पुफी पुछदी है ओ दस ना मेरे भतीजिया अज तू मेरे बूए ते किवें आ गया है इन्ना अरसा बीत गया तू ते मेरे नाल लड़िया होया सै आज तेनू मेरे दरवाजे ते किन्ने आन ते मजबूर कर छड़िया है। ए जनाबे वाला नौजवान आंदा पुफी जी पहले मेनू माफ करो ना पहले मेरे नाल सुलह करो ना फिर मैं तुहानू दसांगा मैं तुहाडे दरवाजे ते क्यों आया वा। पुप्पो जी मेनू माफ कर दियो मेरे कोलो गलती हो गई मैं तुहाडे कोलो माफी लैन आया तुसी मेरे अब्बू दी बहन हो पुप्पो जी मेनू माफ कर दियो। ओ सोनिया वेख ना माफी मंगदे पई जिन्हां नूं आखरत दी फिकर आ वेख ना जिन्हां नूं रब दा डारी और रिश्तेदारियां कैम पे कर दई रिश्तेदारियां जोड़ दे पई आंदा पुप्पो जी मैनूं माफ कर दियो। हजरत मोहतरम पुप्पो कहिंदी है जा भतीजिया मैं तैनूं माफ कर दित्ता है पर मैनूं इक गल ते दस ना अज तैनूं मेरे कोल आण ते कड़ी चीज ने मजबूर कीता है। ए जवान आंदा मैं हजरत अबू हुरैरा दी मजलिस विच बैठा सा दरसे हदीस दे रहा सी अचानक कहन लगे अगर तुहाडे विच कोई बंदा ऐसा बैठा है जेड़ा कता तल की करन वाला है रिश्तेदारियां तोड़न वाला उठ जाए मेरी मदरस विचों तां मैं जल्दी नाल दौड़ के आया तुहाडे कोलो माफी मंगन वास्ते। पुप्पो कहंदी है बेटा अच्छा ये गल है हुण तू वापस अबू हुरैरा कोल जा जा के उहनां नूं पुछना उहनां इतनी बड़ी गल क्यों कीती है। ये जवान वापस सैयदना अबू हुरैरा कोल आया आके पुछदा प्यारे अबू हुरैरा जी मैं तुहाडे कोल पुछना चाहना तुसी दरसे हदीस देंदियां देंदियां अचानक दरस खत्म करके इतनी बड़ी गल कीती है ओ बंदा उठ जाए मेरी मजलिस जो जड़ा कता तल की करन वाला है की वजह है। हजरत अबू हुरैरा फरमांदे ने मैं इन्ना तन्ना नाल नबी पाक दो हदीस सुनी नबी पाक सरकार दा फरमान सुनिया आका फरमा रहा सी उस खानदान अंदर उस बरादरी अंदर कदे भी अल्लाह दी रहमत नहीं उतरिया करदी जिस खानदान विच एक भी बंदा ऐसा होए जिहड़ा सिला रहमी ना करने वाला होए जिहड़ा कता तल्लकी करने वाला है टुट के रहन वाला है भैणा भरावां तो अलग थलग रहन वाला है। फरमाया है कि उस बंदे दी वजह तो एक बंदे दी वजह तो अल्लाह पूरे खानदान नु अपनी रहमत और बरकत तो महरूम कर देंदे ने। अज वेखो आईना सभा दे विच हजरात असी जुमा पढ़न आ गए माशाल्लाह सफे अव्वल ते बह गए पांच टाइम दे नमाजी तहज्जुदां भी पढ़ी जाने आ जनाब रोजे हज उमरे लैना लगियां पियां ने सक्की भैण नाल नहीं बोलदे सक्के भरा नाल नहीं बोलदे
किन्ना किन्ना अरसा बीत गया है भैन दे बूवे ते नहीं जाके वेख्या माड़ी है ना कमजोर है ना और एक लड़ाई दी वजह रिश्तेदारियां टूटन दी एक वजह होर भी है आ तेनू दसां आज मेरे तेरे मुस्लिम माशरे विच असी क्यों लड़ाइयां वधदियां जा रहियां ने विरासत दी तकसीम दी वजह तो वी बाप फौत हो गया है भैणा भरा वारस बने औलाद वारस बनी जनाबे वाला दो तीन भरा ने सच्ची गल तुहानू सुनाण लगा उस गल दा खुलासा सुनाण लगा दो तीन भरा जाके जनाब अपनिया भैणा दे बूवियां ते बह गया आंदे ने भैणो असी तुहाडे भरा तुसी साडे नाल रल के जमिया जे असी तुहाडे वीर हां सारी उम्र तुहानू पालिया संभालिया आ वेखो अपने अबू दुनिया तो चले गए उन्हां जिन्नी दौलत ते विरासत ते ना ये अपने अबू जी दिए ते पैनो असी तुहाडी मिंत करन आए हां असी तुहाडे भरा जुआ अपनी दौलत साडे ना ला दियो अपनी दौलत जिहड़ी तुहाडी विरासत बनदी है ओ भी सानू दे दियो जे भैन कह देवे नहीं 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 मैं तेनू अपना हिस्सा नहीं देना जेड़ा अल्लाह ने मेरा मुकर्रर कीता है ओते मैं लेना ही लेना है हजरात ते मोहतरम जिस भैन ने ना कर दित्ती भरा उठ पिया ने उठ के आंदे ने जा हुण तेरा ते साडा जीन मरन मुक गया हुण तेरा ते साडा मैं मर जावां ते तू मेरा मुंह नहीं वेखना ना तू मर गई ते मैं तेरा मुंह नहीं वेखना ना ओए अकल दे आने आ अज तेन भैन दौलत चंगी हो गई अज तेन भैन दौलत प्यारी हो गई कि कोई भैन जो भरावान उठद्या वेंदी है भरा नाराज होके जा रहे ने ये भैन दी अखा च भी आंसू आ गए नाले दुपट्टा पकड़ के अपने आंसू पूछदी है नाले आंदी है वीरिया मैनू दौलत नहीं चाहिदी मैनू माल नहीं चाहिदा मैनू ते भरा चाहिदा है ना दौलत फिर भी लभ जाएगी नाल रल के जमे मेनू भरा मेनू भरा चाहिदा है दौलत फिर भी मिल जाएगी मैं अपना भरा नहीं छड़ना चाहते यार ऐसी सैकड़ों मसाला ने भरा उठ पैंदे ने नाराज होके दौलतां दी खातर ते भैणा माफ कर दिंदियां ने भरावां दी खातर ओ सोनिया दुनिया दुनिया कर दियो ओ यार दुनिया दी वजह तो रिश्तेदारियां खत्म ना करो दुनिया दी वजह तो कता तलकी ना करो दुनिया दी वजह तो रिश्ते तोड़िया ना कर आवेख नबी पाक ने फरमाया जड़ा बंदा कता तल की करदा है रिश्तेदारा को टूट के रहिंदा है आका फरमांदे ने ला यदखुलुल जन्नता कत्तातुन दूसरी हदीस ला यदखुलुल जन्नता कातियो रहीमिन तीसरी हदीस ला यदखुलुल जन्नता नमामुन आका फरमांदे ने तीन हदीसा मुख्तलिफ टुकड़े तिन्ना दा खुलासा आका फरमांदे ने जड़ा बंदा दुनिया ते रह के सिला रहमी नहीं करदा बल्कि कता तल की करदा है कल कयामत दा दिन होएगा अल्लाह दी जन्नत तो महरूम कर दिता जाएगा सारी जिंदगी दे नेक अमाल जाया ते बर्बाद हो गए उस बंदे दे जेड़ा जनाब अपने रिश्तेदारां को टुट के अलग थलग होके जुदा होके रहिंदा है फरमाया उस बंदे दी दुनिया भी तबाह हो गई कबर भी तबाह हो गई आखरत भी तबाह हो गई जेड़ा अपने रिश्तेदारां दे नाल मिल के नहीं रहिंदा प्यार मोहब्बत दी जिंदगी नहीं गुजारदा एक होर हदीस पाक सुन नबी पाक ने फरमाया हर सोमवार वाले दिन आ गल बड़ी तवज्जो नाल सुनण वाली बड़ी अहम गल जे बड़ी हम हदीस पाक दे तवज्जो करया जे ए नमाजीओ तवज्जो करया जे ए हाजीओ तवज्जो करया जे ए रोजेदारो तवज्जो करया जे ए सदका ते खरात करन वाले तवज्जो करया जे नबी पाक ने फरमाया है हर सोमवार वाले दिन हर जुमेरात वाले दिन बंदे दे अमाल रब दे हां पेश कीते जांदे ने बंदे दे अमाल अल्लाह दे हां सोमवार वाले दिन ते जुमेरात वाले दिन पेश कीते जांदे ने आका फरमांदे ने जेड़ा बंदा कता तल की करन वाला है रिश्तेदारां तो टुट के रहन वाला है फरिश्ते इहदे अमाल चुक के आसमाना दी तरफ लै के जा रहे होंदे ने अल्लाहु अकबर उत्तों आवाज आंदी है ओ मेरे फरिश्तियो इस बदबख्त बदनसीब दे अमाल मेरे कोल ना लै के आया जे जिहड़ा कता तल की करन वाला है उन्दियां नमाजां रोजे सदके हज उमरे
सारा कुछ जमीन ते आसमान दी फजा दे विच लटकदा रहिंदा है जिहड़ा बंदा कता तल की करन वाला है। और अगली हदीस सुन, नबी पाक ने फरमाया है दो गुनाह ऐसे ने जिन्ना दी सजा अल्लाह मरण तो पहला पहला दुनिया ते दे देंदा है। दो गुनाह ऐसे ने, एक झूठी कसम चुकन वाले नु अल्लाह मरण तो पहले ओदी सजा देंदे ने, और दूसरा फरमाया जड़ा बंदा कता तालकी करने वाला रिश्तेदारा को टूट के रहने वाला अल्लाह इस बदबخت नु भी दुनिया ते सजा दे देंदे ने। अगा ते मिलनी मिलनी है ना, कब्र भी आग नाल भरी जानी है, आखिरत नु भी पता नहीं की बनना है। और सोनिया आओ आज दौलता पैसे इज्जत शोहरत दी वजह तो तकब्बर आकड़ गुरूर फखर वे चाह के अपने पैना पर आ छड़ना, रिश्तेदारियां तोड़ना, हमसाया नाल प्यारिया नाल करीबिया नाल प्यार मोहब्बत दी जिंदगी गुजार। एदे विच तेरी दुनिया भी है, एदे विच तेरी कब्र भी है, एदे विच तेरी आखरत भी है। बाकी मिलना ते ओए जो मेरे तेरे नसीब विच अल्लाह ने लिखिया है, जो कुछ लिखिया विच नसीब साडे ओहो तू लैना ओहो मैं लैना। ओए मेरियां तेरियां आकड़ां किस करे, ओए आकड़ खां बनया फिरने जमीन ते तकब्बर नाल टुरने, चार पैसे आ गए ने ते भैणा भरा भुल जाने। ओए मेरियां तेरियां आकड़ां किस करे, तू भी टह पैना है मैं भी टह पैना है। ओए सदा आया ते बुकला मार टुरना, ना तू रहना ना मैं रहना, जो गुजरेगी सो जान अपनी ते ओहो तू सहना ओहो मैं सहना। ओए मेरा तेरा मुसाफरा की झगड़ा, ना तू रहना ना मैं रहना। अल्लाह पाक मेनू तुहानू प्यार मोहब्बत वाली मिल जुल के सिला रहमी वाली जिंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए। कता तालकी दे कबीरा गुनाह तो अल्लाह सानू बच के गुजार जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।